दोस्तों, हर इंसान को कभी ना कभी अपनी मौत का सामना करना ही पड़ता है, फिर वो मौत साधारण हो या फिर एक्सीडेंटल। लेकिन कुछ मौतें ऐसी भी होती हैं जो ना साधारण होती हैं ना ही एक्सीडेंटल, बल्कि इन मौतों का जिम्मेदार कुछ जीव होते हैं जिस पर इंसान सोचता ही नहीं। आज के इस वीडियो में आपको जानवरों से होने वाले हमले और उनसे होने वाले इंसानों के मौत के बारे में बात करेंगे। इसमें जानेंगे कि इस लिस्ट में शामिल जीव से हर साल कितने इंसान अपनी जान गंवा देते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए एक लाइक तो कर ही दीजिए। नंबर 15, शार्क। दोस्तों, पूरी दुनिया में शार्क की लगभग 400 के आसपास प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से एक एवरेज आंकड़े के मुताबिक शार्क की उम्र 70 से 100 साल तक होती है। हालांकि ये आंकड़ा एकदम सही नहीं है। कुछ शार्क 200 साल तक तो कुछ शार्क 20 से 30 साल तक ही जिंदा रहती है। ये उनकी प्रजाति और जीवन शैली पर निर्भर होता है। इन प्रजातियों में ग्रेट व्हाइट, टाइगर शार्क, बुल शार्क और हैमरहेड शार्क बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। इन शार्क के हमले से इंसान सबसे ज्यादा अपनी जान गंवाते हैं। हालांकि आम इंसान से ज्यादा जो मछुआरे या स्कूबा डाइवर्स होते हैं, वही इसके अक्सर शिकार हो जाते हैं। ये हमला करने के लिए बाइट का इस्तेमाल करती है और इसी के द्वारा हर साल वो 8 से 10 लोगों को अपना शिकार बना लेती है। नंबर 14, भेड़िया। दोस्तों, भेड़िया पूरी दुनिया में अलग अलग प्रजाति के पाए जाते हैं, जिनमें ग्रे वुल्फ, आर्कटिक वुल्फ और रेड वुल्फ शामिल हैं। इन प्रजातियों में इनकी उम्र की बात करें तो ये 6 साल से लेकर 12 साल तक जिंदा रहते हैं। वैसे तो भेड़िया इंसानों के ऊपर हमला करने से बचते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में ये उनकी जान लेने से पीछे भी नहीं हटते हैं। ये हमले के लिए बाइट का इस्तेमाल करते हैं। हर साल इनके हमले से इंसानों के मरने के एक एवरेज आंकड़ों की बात करें तो वो 10 है। नंबर 13, लायन। दोस्तों, शेर की दो प्रजातियां होती हैं, एक एशियाई शेर और एक अफ्रीकी शेर, जिसमें से अफ्रीकी शेर 12 से 16 साल तक और एशियाई शेर 10 से 14 साल तक जीवित रहता है। हालांकि चिड़ियाघर के शेरों की उम्र इससे ज्यादा होती है। इनके जीवन चक्र की बात करें तो इनके पैदा होने के बाद 2 वर्षों तक ये शावक होते हैं। 2 से 5 साल के बीच युवा शेर होते हैं, 5 से 12 साल की उम्र के बीच ये वयस्क शेर होते हैं। इसके बाद जैसे इनकी उम्र 12 साल के ऊपर जाती है तो ये बूढ़े शेर कहलाते हैं। ये हमले के लिए बाइट का इस्तेमाल करते हैं और इसी बाइट की वजह से हर साल 100 के आसपास इंसान इसकी चपेट में आ जाते हैं। नंबर 12, एलिफेंट। शेरों की ही तरह इनकी भी 2 प्रजातियां होती हैं, जिनमें एशियाई हाथी 40 से 60 साल और अफ्रीकी हाथी 50 से 70 साल तक जीवित रह सकती हैं। और यदि इनको चिड़ियाघर में रखा जाए तो कुछ साल और भी जीवित रह सकती हैं। हाथी एक बुद्धिमान जानवर होता है और ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर इनको क्रोध आ जाए तो ये सारे रूल्स को तोड़ने में एक पल का भी समय नहीं लगाते हैं। इनके हमलों की बात करें तो ये पकड़कर कुचलने में माहिर होते हैं और इसी वजह से ये हर साल लगभग 100 इंसानों को मार देते हैं। नंबर 11, हिप्पोपोटेमस। ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं और मुख्य रूप से नदियों, झीलों और दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। हिप्पोपोटेमस आमतौर पर जलीय क्षेत्रों में रहते हैं, जहां वे अपने शरीर को ठंडा रख सकते हैं और अपने आहार के लिए घास और पौधों की पत्तियों का सेवन करते हैं। वे रात में जमीन पर निकलते हैं और दिन में जल में रहते हैं। ये अफ्रीका के खतरनाक जानवरों में से एक माने जाते हैं और यहीं पर ये इंसानों को सबसे ज्यादा हानि भी पहुंचाते हैं, क्योंकि ये नदियों, झीलों से गुजरने वाले बोट पर हमला कर देते हैं, जिससे हर साल लगभग 500 के आसपास लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इनके हमलों में बाइट का इस्तेमाल होता है। नंबर 10, क्रोकोडाइल। दोस्तों, क्रोकोडाइल की 3 प्रजातियां मुख्यतः बहुत ही खतरनाक होती हैं, जिनमें नाइल क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल और अमेरिकन क्रोकोडाइल मुख्य हैं। वैसे तो ये तीनों बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं, लेकिन साल्ट वाटर क्रोकोडाइल बहुत ही खतरनाक माना जाता है क्योंकि इनका आकार बहुत बड़ा होता है। एक बार यदि कोई इनके चंगुल में फंस जाए तो 99% तय है कि कोई भी जीव बच नहीं सकता, क्योंकि जहां शेरों के जबड़ों की PSI 550 से 850 के बीच होती है, तो वहीं साल्ट वाटर के मगरमच्छ के जबड़ों की PSI 5000 से 6000 के बीच होती है। इनके आवाज की बात करें तो ये नदियों, झीलों और दलदली क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं। ये बहुत ही सावधानी से और छुपकर वार करते हैं। ये हमले में बाइट का इस्तेमाल करते हैं,
जिसकी वजह से हर साल लगभग 1000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। नंबर 9, टेपवर्म। दोस्तों, ये एक प्रकार का परजीवी है जो इंसानों और जानवरों दोनों के शरीर में पाया जा सकता है। ये परजीवी इतना खतरनाक है कि ये आपके शरीर को खोखला कर देता है। वैसे तो ये हर जीव में पाया नहीं जाता, बल्कि ये उस जीव के शरीर में बाहरी संपर्क के द्वारा पहुंचता है, जैसे दूषित पानी पीना, हरी सब्जियों जैसे पत्ता गोभी, पालक, हरी धनिया और फूल गोभी को अच्छे से ना धोना और अधपका पकाना, कच्चा अधपका मांस खाना या अन्य दूषित भोजन करना। और यदि किसी जानवर में ये परजीवी है तो उसके संपर्क से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। इनका आकार 1 इंच से लेकर 25 फीट जितना लंबा हो सकता है। ये बहुत ही पतला परजीवी है। ये आपकी आंत, दिमाग और यहाँ तक कि आंखों में भी रह सकती है और यहीं से आपको हानि पहुंचा सकती है। इनका नाम टेपवर्म इसीलिए रखा गया क्योंकि ये टेप की तरह चिपटे होते हैं। डॉक्टर इनको सर्जरी और अन्य चीजों के द्वारा बाहर निकालता है, और यदि इनको निकाला नहीं गया तो ये आपका काम तमाम कर सकते हैं। यही कारण है कि हर साल इनके द्वारा लगभग 2000 इंसान अपनी जान गंवा देते हैं। नंबर 8, राउंड वर्म। दोस्तों, टेप वर्म की ही तरह ये भी परजीवी है, लेकिन आकार में ये गोल होता है और ये खासकर जानवरों के द्वारा इंसानों में प्रवेश करता है। अगर आपके घर में पालतू बिल्ली या बाहरी बिल्ली है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस परजीवी से सबसे ज्यादा बिल्लियां प्रभावित होती हैं, और जब वो मल करती हैं तो उसी मल से निकलकर ये इंसानों के शरीर में प्रवेश करता है। हालांकि इसके बावजूद भी ये अन्य कारणों से भी आ जाता है, जैसे दूषित पानी और दूषित भोजन करना। इनके कारण पूरी दुनिया में हर साल 2500 के आसपास लोग अपनी जान गंवा देते हैं। नंबर 7, वाटर स्नेल। वैसे तो स्नेल की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से अधिकतर जहरीली नहीं होती है, लेकिन इनकी कुछ प्रजाति बेहद जहरीली होती हैं, जैसे जियोग्राफी कोन स्नेल और मार्गिनेला स्नेल। ये समुद्री घास के मैदान और गहरे समुद्री क्षेत्र के अलावा समुद्र किनारे भी पाए जाते हैं। इनकी उम्र औसतन 15 साल की होती है। दिखने में तो ये जीव छोटे होते हैं, लेकिन अंदर से उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। इन समुद्री घोंघे के अधिकतर शिकार वो लोग होते हैं जो समुद्री क्षेत्र में बिना किसी जूते या सेफ्टी के जाते हैं। इसके अलावा समुद्री गोताखोरों के लिए भी ये नुकसानदायक साबित होते हैं, और सबसे ज्यादा ये उनके लिए घातक साबित होते हैं जो इनको एक खूबसूरत जीव समझकर हाथों में उठा लेते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ये एक विशेष प्रकार का डंक मारते हैं। कहा जाता है कि इनके डंक में 100 प्रकार का जहर पाया जाता है जो इंसान के तंत्रिका तंत्र पर सीधा असर करता है, जिसकी वजह से हर साल करीब 10,000 लोग जान गंवा देते हैं। नंबर 6, चगास डिजीज। चगास रोग एक गंभीर परजीवी रोग है जो मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका में पाया जाता है। यह रोग एक परजीवी ट्रिपैनोसोमा क्रूजी के कारण होता है, जो एक कीड़ा होता है जिसे किसिंग बग कहते हैं। इसके काटने से फैलता है। इनकी उम्र 3 से 10 साल के बीच होती है। यह कीड़ा रात में सोते हुए व्यक्ति के होंठों या आंखों के आसपास काटता है, इसलिए इसे किसिंग बग कहा जाता है। जब यह कीड़ा किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वह परजीवी को अपने शरीर में ले लेता है और फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट कर उसे संक्रमित कर देता है। संक्रमित रक्तदान के माध्यम से भी यह रोग फैल सकता है, और संक्रमित अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से भी यह रोग फैलता है। अधिकांश मामलों में हृदय और पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि दिल की विफलता, अनियमित दिल की धड़कन और आंतों की सूजन, जिसके चलते हर साल 10,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। नंबर 5, सेट्सी फ्लाई। सेट्सी मक्खी अफ्रीका में पाई जाने वाली एक प्रकार की मक्खी है। यह मक्खी काफी खतरनाक होती है और मनुष्यों और जानवरों के लिए गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। यह मक्खी सामान्य घरेलू मक्खी से थोड़ी बड़ी होती है और इनका रंग गहरा भूरा या काला होता है। ये मक्खी मुख्य रूप से अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, खासकर घने जंगलों और झाड़ियों में। ये मक्खी एक परजीवी है जो मनुष्य और जानवरों का खून चूसती है। जब ये मक्खी किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर को काटती है तो वह एक परजीवी को अपने शरीर में ले लेती है और फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति या जानवर को काट कर उसे संक्रमित कर देती है। इस मक्खी के काटने से निद्रा रोग नामक एक गंभीर बीमारी हो सकती है। यह बीमारी मस्तिष्क को प्रभावित करती है और अगर इसका समय पर इलाज न किया जाए तो मृत्यु भी हो जाती है, और यही कारण है कि अफ्रीका के ग्रामीण इलाकों में हर साल इससे करीब 10,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं।
नंबर 4, डॉग्स। दोस्तों, कुत्ता एक ऐसा जानवर होता है जो सारे जानवरों से बहुत ही ज्यादा वफादार माना जाता है। एक बार इंसान धोखा दे देता है, लेकिन ये जानवर नहीं देता। हालांकि कुछ मामलों में ये लागू नहीं होता है। कुत्ता जब भी काटता है तो रेबीज नामक एक वायरस इंसान के शरीर में इंजेक्ट हो जाता है, लेकिन सारे कुत्तों में रेबीज नहीं पाया जाता है। ये उन्हीं कुत्तों में पाया जाता है जो किसी दूसरे रेबीज इन्फेक्टेड कुत्ते को काटते हैं या फिर उनसे अपने आप को कटवा लेते हैं। पालतू कुत्ते की अपेक्षा आवारा कुत्तों में ये वायरस ज्यादा पाया जाता है, और यही कारण है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काटे जाने वाले कुत्तों में स्ट्रीट डॉग या फिर अन्य आवारा कुत्ते शामिल होते हैं, जिनकी वजह से ये हर साल करीब 25,000 लोगों को इन्फेक्ट करके उनकी जान ले लेते हैं। नंबर 3, स्नेक। दोस्तों, सांप का काटना और उसके जहर से आप सभी लोग परिचित होंगे। ये एक ऐसा जीव है जिससे हर कोई डरता है, क्योंकि इसके काटने से इंसान का बच पाना मुश्किल हो जाता है। अगर समय रहते इसका इलाज ना किया जाए, पूरी दुनिया में सांप के काटने से सबसे ज्यादा मौतें भारत में होती हैं, क्योंकि यहां पर जागरूकता की कमी और समय पर सही इलाज ना मिलने के कारण पूरी दुनिया के सांपों से मरने वाले लोगों में 80% लोग भारत के ही होते हैं, जो आज भी सांप काटने के बाद झाड़ फूंक में विश्वास रखते हैं, क्योंकि जिसके अंदर जहर गया हो तो उसे झाड़ फूंक से नहीं निकाला जा सकता है। इसी वजह से भारत और अन्य देश को मिलाकर हर साल 50,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। नंबर 2, ह्यूमन। दोस्तों, यह सुनकर आपको थोड़ा शॉक लग सकता है कि पूरी दुनिया में सांप से ज्यादा लोग इंसानों के द्वारा मरते हैं, जिसमें आपसी झगड़े या अन्य विवाद शामिल होते हैं। इसके साथ और भी अन्य कारक होते हैं जो इसे और भी गंभीर बना देते हैं, और इसी वजह से पूरी दुनिया में हर साल इंसान करीब 4,00,000 से अधिक अपनी ही प्रजाति को नष्ट कर देता है। नंबर 1, मॉस्किटो। दोस्तों, मच्छर दिखने में जितने छोटे होते हैं उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं। मच्छर देखा जाए तो इंसानों के लिए एक अभिशाप जैसा है, क्योंकि ये हमें हर रोज काटता है, और सबसे दुख की बात यह है कि एक ही थप्पड़ में मर भी जाता है। हालांकि मच्छरों का काटना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन यही मच्छर जब आपको इन्फेक्ट कर देते हैं, जिनमें डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया शामिल है, तो ये रोग इंसानों की कभी कभी जान भी ले लेते हैं। मच्छर इंसान को हर रोज काटता है और लोग इसे ज्यादा सीरियस भी नहीं लेते हैं, लेकिन इसी मच्छरों के कारण हम जैसे 7,00,000 से भी अधिक लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। देखा जाए तो सबसे ज्यादा मौतें मच्छरों के काटने से ही होती है, लेकिन अगर आपको इन सारे जीवों में से और भी कोई खतरनाक जीव के बारे में पता हो तो उसे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें।